ओके okay. तो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब तो तुम लोगों को पता ही है, नाम से हमें पता लग रहा है क्या है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब विच कैन फ्लो फ्लो राइट एंड व्हाट सॉलिड कैन फ्लो ऑब्वियसली नो। कौन फ्लो कर सकता है? लिक्विड एंड गैसेस। दैट इज व्हाई लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स। फ्लूइड सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स को नहीं बोला जाता, गैसेस को भी फ्लूइड्स बोला जाता है, राइट? इस चैप्टर के इस पार्ट में हम जो है फ्लूइड्स पे चर्चा करेंगे सारी, राइट? जिसमें वील बी स्टडिंग अबाउट सम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक बायंसी हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, है ना। पास्कल लॉ के बारे में भी तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, और उसके कुछ बच्चों ने शायद उसका एक वो भी बनाया होता है मॉडल सा, एक वो इंजेक्शन लगा के, है ना, क्रेन देखा है तुम लोगों ने? यस सर देखा सर, क्रेन है ना बनानी। यस सर, किसी ने बनाया खुद? यस कोशिश की सर, बनानी था, मेरे दोस्त ने बना लिया सर। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया, फिर बर्नौली थ्योरम हो गया, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, राइट? तो लेट अस स्टार्ट दिस क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, प्यारी सी, वो लिख लो। Anything which can flow is known as fluid, like liquid and gases. और जो फ्लूइड है कोई भी, मतलब चाहे लिक्विड है वो गैसेस है, अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में अगर किसी चीज को हम इंसर्ट कर देते हैं, तो वो जो लिक्विड है उस चीज पे हमें पता है प्रेशर लगाएगा, हाँ के ना? Yes, sir. ऐसा हमने फोटो एक बनाई थी, कौन से टाइप ऑफ स्ट्रेस में? वॉल्यूमेट्रिक में। तो वो किस पे लग रही थी? वो लग रही थी उस बॉडी पे, उस सॉलिड बॉडी पे जिसको हमने फ्लूइड के अंदर डुबाया था, राइट? Yes, sir. वो जो स्ट्रेस था या प्रेशर था या फोर्स थी जो भी थी, तो वो उस बॉडी के हर पॉइंट पे लग रही थी, हाँ के ना? Yes, sir. And which was acting perpendicular to that surface as surface. तो इसमें एक सबहेडिंग बनाओ फ्लूइड्स में, इस प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स। Fluids exert the pressure which is perpendicular to the surface of the body and acts at all the points of the body. फोटो सी बना लो दोबारा साइड में।
थर्ड पॉइंट पे ये प्रेशर जो है वो लग रहा है। प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मे बी इट्स अ स्केलर क्वांटिटी प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इसकी डायरेक्शन तो है क्या बॉडी की तरफ बॉडी की तरफ वो तो फोर्स की डायरेक्शन ही है सर वो फोर्स की डायरेक्शन है एक्चुअली वो डायरेक्शन किसकी है वो फोर्स की है ठीक है प्रेशर जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इसके बाद एक क्वेश्चन उठना चाहिए दिमाग में क्या फॉर्मूले से फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया ना फोर्स जो है वेक्टर एरिया स्केलर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और एरिया स्केलर क्वांटिटी है तो भाई वेक्टर अपॉन स्केलर जो है वो स्केलर कैसे आ गया सर एक मिनट ये ऐसे हो सकता है जैसे नहीं छोड़ो या फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया है साइड में हाँ लेफ्ट साइड डॉट प्रोडक्ट वेक्टर हो जाएगा उसका लेकिन डॉट प्रोडक्ट तो दो किसका होता है स्केलर क्वांटिटीज का वेरी गुड शाबाश जरा अपने पीठ पे जरा खुद ही थपथपाओ सर चांटा मारने डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का तो जो दो वेक्टर का होता है सॉरी 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 सर दो वेक्टर्स का भी आंसर स्केलर आया ऐसे क्या बोल मतलब सॉरी मोटा कर दो हाँ. रिक्वायरमेंट है बस अपने हिसाब से मोटा कर दो मतलब अपने को चाहिए वेक्टर दो स्केलर चलो सर दो स्केलर क्वांटिटीज का होता है और आंसर वेक्टर आता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं अरे नहीं सर नहीं हो सकता सर हो नहीं सकता सर स्केलर का कुछ हो नहीं सकता कोई बात कुछ नहीं हो सकता सिर्फ एलजेब्रिक वो ही प्रोडक्ट हो सकता है यस लेकिन एक्चुअली पता है क्या है एरिया जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है सर कैसे एक मिनट सर मुझे पता था तुम लोगों को झटका लगेगा ये सुन के झटका तो नहीं लगा अब तो सर आ जाते हैं बट एक्चुअली क्या है एरिया का जो स्केलर प्रॉपर्टी है ना सॉरी वेक्टर प्रॉपर्टी है ना जो एरिया की वो 11th में यूज नहीं होती 12th के पहले ही चैप्टर में यूज जाएगी तो 12th की स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में तुम लोगों को बताऊंगा कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है ठीक है जी तो फिलहाल के लिए तुम लोग इसको सिर्फ याद कर सकते हो ठीक है इतना बता देता हूँ जो इसका वेक्टर होता है वो इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ठीक है तो अगर एरिया है सपोज कुछ भी अगर तुम्हारे सामने एक कॉपी पड़ी है तो कॉपी का जो एरिया वेक्टर है कॉपी का कुछ एरिया होगा रेक्टेंगल है वो ठीक है तो उसका जो एरिया होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट पेज दैट प्लेन ऑफ द कॉपी that paper right baki uska use jo hai that will do in 12th abhi faltu mein tension lene ki zarurat nahi hai theek hai next hai acha dimension to hum log kar chuke hain iski iska units jo hai na wo 3-4 units hai hum iski use karenge tino char units kya kya hain अब इनमें रिलेशन है वन एटीएम में चलो पहला मिलन बताएगी वन एटीएम इज हाउ मेनी पास्कल्स 1.013 टू 10 की पावर 5 पास्कल्स करेक्ट ओके नेक्स्ट है बार सर मैं बताऊं सर
ppm और बार में रिलेशन बताओ मुझे बताओ सर इज इक्वल टू 10 प्लस 1.013 बार 180 इज 1.013 बार राइट फिर mmHg हां mmHg पे आते हैं 1 बार और पास्कल में क्या रिलेशन हुआ 10 रेज टू बार 5 10 रेज टू बार 5 पास्कल बिल्कुल करेक्ट है 1 atm इज हाउ मेनी mm ऑफ hg 760 mm of hg which is 76 centimeters of centimeter of hg mercury okay टॉर और एमएमएचजी में क्या रिलेशन है वन टॉर एमएमएचजी इज इक्वल टू वन टॉर वन टॉर इज इक्वल टू वन एमएमएचजी वन एमएम ऑफ मर्करी करेक्ट बढ़िया ये तुम लोगों ने ताजे ताजे किए हैं क्या स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए एक दो हफ्ते हो गए एक महीने हो गया होगा मतलब पिछले ग्रैंड टेस्ट से पहले किए थे ग्रैंड टेस्ट अभी तो कुछ ग्रैंड टेस्ट मतलब सर पिछले कुछ हफ्ते बस सर पिछले चैप्टर वही था उससे चलो और कुछ तो नहीं बचा मेरे ख्याल हो गया सब सामान मिल गया ना ठीक है यस यस चलो अब हम आगे मुद्दे पे चलते हैं क्या अब भाई प्रेशर होता कितना है प्रेशर होता कितना ये कैलकुलेशन ऑफ इसमें जरा हेडिंग बनाओ सब हेडिंग बनाओ कैलकुलेशन ऑफ P is equal to HOG formula सुना है ना? Use भी हम करते हैं। उसी की derivation। Calculation of pressure due to fluid. तो result तो हमें पता है, लेकिन उसको calculate करना हमारा फर्ज है। Let us calculate. Let's see ये एक beaker है। जिसमें हमने कुछ लिक्विड भर दिया डेंसिटी रो का हाइट एच तक और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस बीकर का दैट इज ए लेट्स सी ठीक है तो हमें कैलकुलेशन जो करनी है प्रेशर की वो पॉइंट पी पे करनी है ये है पॉइंट पी जो कि बॉटम ऑफ द बीकर है राइट तो लेट द कंटेनर कंटेन्स फ्लूइड अ लिक्विड of density rho filled up to height h. A is area of cross section of the bottom of the container the pressure hum kiske liye pressure kiske karan pressure calculate kar rahe hain pressure due to liquid pressure exerted by the liquid on the bottom is given by excuse me sir हाँ जी sir यहाँ पे जो यहाँ पे हम जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक का एक प्रेशर लगता है पता है तुम लोगों को yes sir हम यहाँ पे वो कंसीडर नहीं कर रहे we are just considering the pressure due to the liquid only right ठीक है तो इसलिए स्पेसिफिकली उसके कारण ही प्रेशर लिखेंगे हाँ जी बोलो निवेदिता
यहाँ पे जो प्रेशर सॉरी लिक्विड है जो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगा रहा होगा वो नहीं गिनेंगे आप करेंगे बॉटम पे चाहिए ठीक है यस सर वॉल्स पे भी लगा रहा होगा लेकिन वो उसी हिसाब से एक्सप्रेशन में एच की वैल्यू डाल देंगे तो वो आ जाएगा ठीक है सर तो प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया ये जो लिक्विड है ये कितनी फोर्स लगाएगा इस बॉटम पे वो कितनी होगी mg होगी mg है ना मास m क्या है यहाँ पे किसका मास है फ्लूइड का लिक्विड का मास फ्लूइड मास ठीक है मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ लेंथ और लेंथ कितनी है हाइट h h एरिया कहाँ गया उड़ गया कट गया सर कट जाएगा तो इट विल बिकम h रो g वेरी इंपॉर्टेंट एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं प्रेशर जो है फ्लूइड के कारण किसी पॉइंट पे जो लगता है वो उस पॉइंट के या उस सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। किस पे डिपेंड कर रहा है तो तीन चीजों पे कर रहा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जी जो है चलो सरफेस ऑफ द अर्थ पे तो जी हमेशा ही सेम है तो वो है और एक हाइट ये एच क्या चीज है एच है हाइट फ्रॉम द बॉटम हाइट फ्रॉम द Yes, it is the height of the liquid column above that point. Yes. Height of the liquid column above that point. Sir. अंजी. अगर जैसे एक height h by 2 पे पड़ी है तो मतलब अगर हम उसका pressure निकाला तो हम h by 2 height लेंगे ना? बिल्कुल. ठीक है. मतलब अगर यहाँ पे हमें निकालना है इस point पे pressure निकाल लेंगे तो height ये h ये वाली आएगी अगर ये h by 2 है तो ठीक है जो भी आएगी height उतना लेंगे. तो जितना भी उसके ऊपर है लिक्विड उसकी हाइट लेना राइट ये जरा स्टार पॉइंट में लिखूंगा एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द required point ये बहुत important point है उसके नीचे की height नहीं लेनी उसके ऊपर की height लेनी है ठीक है उस point के ऊपर कितना liquid है उस वही pressure डालेगा उस पे okay, ये जो pressure आया हमारे पास ये note हो गया यहाँ तक note कर लिया yes sir This is due to the liquid column या फिर fluid column above the point. ऐसे ही इसी वजह से जो atmospheric pressure है वो भी धरती पे लगता है धरती का कुछ atmosphere है हाँ के ना Yes, sir. ठीक है तो obviously वो भी कुछ surface पे force लगा रहा होगा उस force की वजह से कुछ pressure लग रहा होगा ठीक है तो वो pressure कितना होता है What is the atmospheric pressure की value? 180 और ये उसी को रिप्रेजेंट करता है एटमोस्फेयर के प्रेशर को और ये कितना होता है 180 एट द सरफेस ऑफ द अर्थ और ये किस वजह से लग रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है किसकी एटमॉस्फेयर की धरती की एटमॉस्फेयर लेकिन ये मेजर कैसे किया पता कैसे लगा इसका बैरोमीटर ठीक है ना उससे किया मेजर तो पहले तो जरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख लेते हैं कितना होता है स्टार पॉइंट दूसरा लिखो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द surface of the earth. ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है प्रेशर इज 1 atm. वन एटीएम को हम लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, राइट? एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1.013 इनटू 10^5 पास्कल. ये कन्वर्जन हम ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है? तो वही है, तो 1 एटीएम है. जैसे मर्जी इसको, जिस मर्जी यूनिट में रिक्वायर्ड, जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा यूनिट, उसमें कन्वर्ट कर लो. ठीक है जी. अब इसको मेजर कैसे किया हमने? बैरोमीटर को यूज करके. और बैरोमीटर में जो फ्लूइड डाला था वो कौन सा था? मर्करी. पानी क्यों डाला? सर हाइट ज्यादा थी, फ्लूइड डेंसिटी बहुत कम होती है पानी की, तो इसके लिए हाइट बहुत ज्यादा, उसके लिए सिर्फ लॉन्ग ट्यूब की चाहिए रहेगी मर्करी के लिए. बैरोमीटर की 10 मीटर को कम चाहिए होती है. बहुत ही बढ़िया, बहुत चीज करा रखा है सब केमिस्ट्री में, बढ़िया है. टॉपिक बनाओ एक, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसमें एक ये क्वेश्चन फेवरेट है, ये आता है कि व्हाई वाटर इज नॉट यूज्ड इन बैरोमीटर. ठीक है, तो लिखते हैं. तो पहले तो मर्करी बैरोमीटर है, इट इज मेजर्ड यूजिंग मर्करी बैरोमीटर. बैरोमीटर से ही बार आया उसका यूनिट. ओके, तो बैरोमीटर में जरा इसकी फोटो बना दो. और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? सर पास्कल ने किया था ना? होगा कोई जिसका नाम बैरोमीटर वगैरह होगा, जिसका मतलब पीछे सर नेम बार वगैरह बैरोमीटर होगा. नहीं सर, ऐसे तो कुछ अफसोस ऐसा नहीं है. एक और यूनिट किया तुम लोगों ने ऊपर, टॉर. टॉर टॉरिसिली. अच्छा टॉरिसिली, तब फिर आगे ना टॉरिसिली थी और हम. अच्छा ठीक है. कौन सी थ्योरम? टॉरिसिली थ्योरम. ये कौन सी थ्योरम है? बंदे हैं क्यों हमने नाइंथ में? नहीं नहीं. ओके, तो यहाँ पे ये मर्करी भरी हुई है इसमें, ठीक है? दिस इज सब मर्करी इसमें, इस कंटेनर में जो नीचे बड़ा सा ये कंटेनर पड़ा है. और ये जो ट्यूब थी इसमें मर्करी जो है, इसमें वैक्यूम था, ठीक है? इसमें वैक्यूम था. अब क्या हुआ, इस मर्करी दिस कंटेनर हैविंग मर्करी में जब हमने वैक्यूम वाली जो ट्यूब है वो इंसर्ट की तो क्या हुआ? मर्करी राइज कर गई. मर्करी राइज इसलिए कर गई क्योंकि इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है हर जगह. तो इस धक्के की वजह से, इस एटमॉस्फेयर के धक्के की वजह से जो मर्करी है वो इसमें राइज कर गई. कहां तक पहुंच गई?
जो राइज किया दैट वॉज 760 mm या फिर 70 cm. सर हाँ जी सर, अगर हम ऐसे ट्यूब ट्यूब को अगर वैक्यूम में ना लेते तब तो सर मरकरी राइज नहीं करता ना? बिल्कुल राइज ना करता, क्योंकि इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता। अगर अंदर तो प्रेशर डिफरेंस ही नहीं आता कोई ना, फिर उसके हिसाब से होता कि अंदर यहाँ पे जो भी गैस है अंदर जो भी गैस है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, तो प्रेशर डिफरेंस के अमाउंट से ही राइज करता। ओके सर। अभी यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है कि यहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम में डबल यू होता है सिंगल यू होता है? सिंगल यू डबल होता है। डबल यू डी सिंगल होता है? डबल होता है, यू सिंगल होता है। नहीं सिंगल नहीं होता, ये तो डबल ही होता है। चर्चा हो रखी है पहले, मेरे को लगता है यू तो हो चुके हमारे क्लास में। पहले भी 15 मिनट इसी पे लगाए थे हमने एक क्लास के। अच्छा कब लगाए थे? सर स्पेलिंग है VACWM। हाँ तो फिर हम भी वही बोल, हम क्या कह रहे थे बेटा? ठीक है, हमने डबल सी डाल दिया आपके कारण भी। बात बोला ना कि हमें एक एक्स्ट्रा चीज करेंगे। चलो कोई बात नहीं, डबल से तो जितनी इधर से सी उठानी है सी उठा लो, जितनी यू उठानी है यू उठा लो। चलो सर ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक जरा इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है, व्हाई वाटर बैरोमीटर इज नॉट यूज्ड। सर ये हमने 1 is equal to 760 mm तीसरी बार की लिखा है। तुम लोगों के दिमाग में ऐसे चिपक जाए कि उतरे ही ना। सर चिपक गए सर, स्टेट सप्लाई के वॉल्यूम के साथ पहले भी चिपका रखा है ना। यस सर, 9th के हर एक पेपर में हमें क्वेश्चन आता था कि व्हाई वाटर इज नॉट यूज्ड मर्करी इज यूज्ड। अच्छा सर हां जी, एक ट्यूब की हाइट पे तो नहीं डिपेंड करता, चाहे 100 मीटर ले लो चाहे 1 मीटर। किससे किस पे डिपेंड नहीं करता? ट्यूब की हाइट जो हमने ये ली है ना, जिसमें मर्करीज कर रहा है ना, बिल्कुल उस पे क्यों डिपेंड करेगा? सर अगर हम छोटी हाइट की ट्यूब ले लेते हैं 76 से भी, फिर क्या फट जाती थी? क्या प्रेशर चेंज हो जाता है? क्या बोला से मिलन तो क्या बोला है? फिर राइज ना हो पाती, खत्म हो गई। अगर 76 सेंटीमीटर से कम ले लेते तो क्या ट्यूब फट जाती? पक्का फटती। ट्यूब को तोड़ देगी मतलब, थोड़ी लगाती है। उसने मजाक किया है मिलन, कार्टून में खाते हम भी मजाक ही करते हैं, हम तो सीरियसली सोच रहे की फट जाएगी। दिया थोड़ा सीरियसली लेगी थी मतलब, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर उसको 760 mm पहुंचना तो पहुंच के रहेगी ना। पहुंच के रहेगी। एक बार कमिटमेंट करती तो फिर वो किसी की सुन। डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी होती है? 13600 समथिंग यूनिट। 13 केजी में होगा। क्लास देख के आई है सब कुछ ही अभी। 13600 ये याद करनी है। ये याद है सर, याद है सर। ये
इतनी बार तो सर डिराइव की थी ना फिर को नाइन का भी कैसे याद है मेरे को प्लस वन का नहीं याद रहता मेरे को भी नहीं सर नाइन का है थोड़ी बहुत ही याद अरे इतना तो याद ये वाली डेंसिटी अरे बस एक मिनट ये वाली डेंसिटी सीजीएस यूनिट में कितनी होगी 13.6 यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है जी ये आपको याद रखनी है दोनों ये भी याद रखना है तो बस ये तो याद ही है तुम लोगों को मर्करी की डेंसिटी याद रखनी है पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर वन अकेला किसी ने नहीं बोलना इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर एसआई में कितनी होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब राइट तो इफ वाटर वाज यूज्ड देयर देन प्रेशर कितना 10^5 अप्रोक्सीमेटली 1.01 इनटू एच इनटू डेंसिटी ऑफ पानी है 10^3 इनटू जी यहां से मेरे पास एच कितना आ जाएगा 10 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम रिक्वायर्ड है एंड 10 मीटर इज टू नहीं है इट इज वेरी बिग 10 मीटर ट्यूब नहीं ले सकते 10 मीटर की ट्यूब संभालेगा कौन पकड़ेगा कौन ठीक है जी दिस इज नॉट फिजिबल एंड प्रैक्टिकल सर ये आपने पास्कल में लिया ना प्रेशर बार वाला है ना प्रेशर सब एसआई में कर रहा हूँ सब कुछ एसआई में ठीक है सर लॉन्ग ट्यूब इज नॉट तो ये आपने दिस के आगे क्या लिखा है मच इस मच अच्छा मच ठीक है जी चलो आज हम यही खत्म करते हैं बाकी इसके बाद न्यूमेरिकल दिस के कल करेंगे ओके चलो गुड बाय थैंक यू सर ओके बाय बाय थैंक यू सर स्क्रीन मत हटाना सर आज मेरी आवाज अलग और खराब आ रही है ना नहीं सेम आ रही है सेम आ रही है मुझे नहीं पता कितना कोल्ड है तुमको सेम कैसे आ रही है आवाज सर एंड प्रैक्टिकल लिखे ना प्रैक्टिकल हां हां थैंक यू सर ओके थैंक यू सर बाय बाय